नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरके श्रीवास्तव और आपका आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट इलेक्ट्रिशियन में हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो बैटरी की जो सीरीज चल रही थी उसमें लोगों का कमेंट भी आ रहे थे कि इसी सीरीज को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करिए, थोड़ा अच्छा इसके बारे में और बताइए। तो आगे उसके बाद तीसरा ये वीडियो है, तो आइए इस पर देख लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है, ठीक है, नई बैटरी की कैपेसिटी कैसे निश्चित करेंगे उसकी विधि। ठीक है दोस्तों, नई बैटरी की कैपेसिटी कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है, आइए उसको देख लेते हैं। कैपेसिटी इज इक्वल टू 2/3 गुड़े धन प्लेट का क्षेत्रफल, धन प्लेट का क्षेत्रफल गुड़े धन प्लेटों की संख्या, धन प्लेटों की संख्या। ठीक है, और ये जो होगा दोस्तों, ये वर्ग इंच में होगा, वर्ग इंच में होगा। ठीक, अब उदाहरण के लिए अगर हम इसका एग्जांपल ले लें एक, तो ठीक है दोस्तों, अगर इसका हम एग्जांपल लें कि एक बैटरी है, एक बैटरी में 12 धन प्लेटें हैं, धन प्लेट है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है, धन प्लेट है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 8 वर्ग इंच है। ठीक है, 8 वर्ग इंच है तो इसकी कैपेसिटी, ठीक है दोस्तों, तो कैपेसिटी पूछ रहा है। ठीक है, अब बस सिंपल उसी फार्मूले पे हम रख देंगे, जो ये ऊपर वाला फार्मूला है इसी पर रख देंगे तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे, तो आइए देख लेते हैं। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू 2/3 गुड़े 8, देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, प्लेटों का क्षेत्रफल 8 वर्ग इंच है, तो यहां पर हम 8 लिख देंगे। ठीक है, गुड़े 12 धन प्लेटों की, 12 धन प्लेटें हैं तो प्लेटों का, धन प्लेटों का क्षेत्रफल और धन प्लेटों की संख्या, ठीक है, और गुड़े 12 कर देंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, अब हम इस 12, 8 और 2 का 12, 8 इंच पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 192। ठीक है, 3, अब इसको अगर हम काटेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 62 एम्पियर आवर। ठीक, ये निकल आया हमारा आंसर। अब एक चीज़ और है इसमें, छोटा सा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाह रहा था कि कई बैटरी बनाने वाली जो बैटरियां बनाते हैं उनकी कैपेसिटी निर्धारित करने के लिए कुछ और फार्मूले का भी उपयोग करते हैं जो बैटरियां बनाते हैं, वो क्या होता है, और ये उसको भी देख लेते हैं। कैपेसिटी इज इक्वल टू 1/10 गुड़े धन प्लेट का क्षेत्रफल, गुड़े धन प्लेट का क्षेत्रफल, गुड़े धन प्लेट का क्षेत्रफल गुड़े धन प्लेट की संख्या, गुड़े धन प्लेटों की संख्या।
और जो ये होगा दोस्तों ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा, ये जो होगा वर्ग सेंटीमीटर में होगा ये, ठीक है। अब आइए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल में कि मान लीजिए एक बैटरी है, एक बैटरी, उसमें जो धन प्लेटों की संख्या है, धन प्लेटों की, धन प्लेटों की संख्या 16 है, ठीक है, धन प्लेटों की संख्या 16 है और जो धन प्लेटों का साइज है, ठीक है दोस्तों, धन प्लेटों का साइज क्या है 12 × 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी अब हम कैपेसिटी अगर निकालें तो कैपेसिटी, अब इसका फार्मूला क्या होगा, उसी फार्मूले पर हम रख लेंगे जो पिछला फार्मूला था हमारा। तो क्या था कि इसमें रखेंगे 1/10, ठीक है, इसके बाद गुड़े, अब क्या है प्लेटों का जो ये साइज है 12 × 20 है, ठीक है, तो अब हम 12 × 20 रख देंगे, 12 × 20 रख देंगे, उसके बाद गुड़े 16 प्लेटों की संख्या है तो हम गुड़े 16 लिख देंगे। अब हम इसको साल्व अगर करेंगे तो आ जाएगा 3840, 12, 20 और 16 गुड़ा करेंगे 3840 आ जाएगा, ठीक है, 10, ठीक। अब हम सिंपल इस जीरो से ये जीरो कट गया, इक्वल टू आ जाएगा 384 AH, ठीक है, ये हो गया कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला। अब अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है दोस्तों सल्फेशन, ठीक है। सल्फेशन ये जो बैटरी के ऊपर जो आपने देखा होगा सफेद कलर का एक जम जाता है वो PbSO4 होता है। तो इस सल्फेशन पर बात करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं दोस्तों। अगर आपके मन में कोई कमेंट है तो कमेंट में भी करें, ठीक है दोस्तों। तो आइए सल्फेशन के ऊपर बात करते हैं कि सल्फेशन जो होता है दोस्तों यह सेल की प्लेटों पर बड़ी मात्रा में लेड सल्फेट, जो ये जो होता है दोस्तों ये लेड सल्फेट होता है, ठीक है, लेड सल्फेट होता है। इसका जो फार्मूला होता है PbSO4, ठीक है, PbSO4 होता है के जम जाने पर, जम जाने को सल्फेशन कहते हैं, जो जो टर्मिनल्स होते हैं उन पर यह सल्फेशन हो जाता है। इसका कारण क्या है, इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, जब सल्फेशन हो जाएगा तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा तथा सेल की कैपेसिटी कम हो जाएगी। यदि बैटरी, मतलब जब बैटरी, मतलब प्रतिरोध बढ़ गया, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया और बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाएगी। यदि बैटरी को ओवरचार्जिंग की जाए, यदि बैटरी को ओवरचार्जिंग की जाए तथा बैटरी को ओवरचार्जिंग की जाए तो उसे डिस्चार्ज हुई स्थिति में बहुत समय के लिए रखा जाए, मतलब ओवरचार्जिंग या तो उसको बार बार किया जाए और या फिर उसको डिस्चार्ज हो गई है तो उसको ज्यादा दिन तक डिस्चार्ज रखा जाए, मतलब ओवरचार्ज पर सल्फेशन हो जाता है और ज्यादा समय तक डिस्चार्ज पर सल्फेशन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा समय तक डिस्चार्ज की स्थिति में भी रखा जाए तो सल्फेशन बढ़ जाता है। सल्फेशन को मिल्किंग बूस्टर, ठीक है, मिल्किंग बूस्टर का प्रयोग करके हटाया जा सकता है। जो सल्फेशन है
तो ये नोट है दोस्तों, देख लीजिए, सल्फेशन हटाना, हटाने के लिए मिल्किंग बूस्टर, मिल्किंग बूस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिल्किंग बूस्टर का हम प्रयोग करते हैं सल्फेशन को हटाने के लिए। मिल्किंग बूस्टर क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिल्किंग बूस्टर क्या होता है। ठीक है, मिल्किंग बूस्टर क्या होता है दोस्तों, यह जो है कम वोल्टेज वाली, विशेष प्रकार की डायनमो, होती है। इसे सीधे रूप से सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है, इसे सीधे रूप से सेल से जोड़ देते हैं। इसे ट्रिकलिंग चार्ज विधि में, जब ट्रिकलिंग चार्ज विधि से कम किया जा सकता है, ठीक है, या इसे ट्रिकलिंग चार्ज विधि से कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो सल्फेशन होता है PbSO4 होता है, तो ये होता किस लिए है दोस्तों, कि ये ओवरचार्ज और मतलब ओवरचार्ज कर दिया जाए, बार बार इसको ओवरचार्ज किया जाए बैटरी को, तो होता है, और ज़्यादा समय तक अगर बैटरी को डिस्चार्ज अवस्था में छोड़ दिया गया तो भी सल्फेशन शुरू हो जाता है। इस सल्फेशन को हटाने के लिए दोस्तों मिल्किंग बूस्टर, ठीक है दोस्तों, ये मिल्किंग बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। मिल्किंग बूस्टर आखिर में होता क्या है, ये कम वोल्टेज वाली विशेष प्रकार की एक डायनमो होती है, ठीक है, कम वोल्टेज वाली विशेष प्रकार की डायनमो होती है। इसे सीधे तौर पर सेल से जोड़ दिया जाता है इसको, और या मतलब एक तो इस तरह से हम सल्फेशन को खत्म कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि हम ट्रिकल चार्ज की विधि से भी हम सल्फेशन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हुआ, अगला टॉपिक है सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम वगैरह में आता है। ये है क्या दोस्तों, सेल के नीचे बैठने वाला गहरा, मतलब जब सेल यूज होता रहता है तो उसके नीचे मैल बैठ जाता है, मैल इत्यादि बैठ जाते हैं, उसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सेल के नीचे जो बैठ जाता है गहरा, जो मतलब कचरा होता है जो नीचे बैठ जाता है, उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन क्रिया पदार्थों के सेल के जो पदार्थ होते हैं उसमें सेल के नीचे बैठे या इकट्ठे होने की क्रिया को कहते हैं। जो सेल का जो क्षरण होता है वो नीचे जब बैठने लगता है उसी क्रिया को हम कहते हैं। इससे प्लेटों के आसपास, प्लेटों को शॉर्ट होने की, इसमें क्या होता है कि जो मलबा होता है, मलबा नीचे बैठता है। ठीक है, जो प्लेटों का मलबा होता है, और इससे क्या सबसे बड़ी घटना, मतलब दिक्कत क्या होती है कि प्लेटों के शॉर्ट होने की संभावना होती है इसमें। ठीक है दोस्तों,
इसमें प्लेटों के शॉर्ट होने की संभावना होती है। इस क्रिया को इस क्रिया के तीव्र हो जाने से बैटरी के जीवन काल कम हो जाता है। ये क्रिया अगर ज़्यादा तेजी से हो तो बैटरी का जीवन काल कम हो जाता है। इससे क्रियाशील पदार्थों की मात्रा घट जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से बदल देना चाहिए। इस क्रिया को मतलब अगर हम ये इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट पूरा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पूरा बदल दें, ठीक है, तो ये सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक जो अगली वीडियो होगी दोस्तों वो बकलिंग के ऊपर होगी, ठीक है, एम्पियर आवर के ऊपर होगी, सेल की निपुणता के ऊपर होगी, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चार्जिंग जो करंट होती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए अगला वीडियो रहेगा दोस्तों। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। और अगर वीडियो में कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको जानकारी मिली है, कुछ भी चीज़ से आपका जानकारी बढ़ी है जो आपके आने वाले भविष्य में काम आएगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपके दोस्तों या आपके भी मन में कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करें कि कैसा वीडियो आपको लग रहा है दोस्तों। मैंने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की है अपने ट्यूटोरियल वगैरह को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।